बच्चे डरे हुए हैं कि वह डरते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं चार पॉइंट्स बोलने वाली हूँ जो आपके बच्चे को ब्रेव बनाएगा। तो फर्स्ट इज, जो जब भी फेल होते हैं, कोई फेलियर हो जाता है कुछ, तो उनको बोले कि फेलियर ठीक है, कुछ और नहीं होता, क्योंकि आपको आपने थॉट भी सुना रहेगा फेलियर का कि फेलियर इज़ ए स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। ये फेलियर ठीक है, क्योंकि फेलियर से हम लोग को पता चलता है कि हमने क्या मिस्टेक्स किया, वो किया, ये किया। तो फेलियर में गए तो कैसे आपके बच्चे को बाहर निकाल के आना है, वही है मेन। उनको इनकरेज करके तुम फर्स्ट आओगे करेगा तो वो हेल्प नहीं करेगा उनको। तो उसके लिए उनको ना फेलियर इतना बड़ा चीज़ नहीं रहता, वो भी एक पार्ट ऑफ द पाथ है, चलते तो बीच बीच में कुछ आता है, तो वही है। तो आप उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बोल के रखने का। तो इसको बोलने कि वो अकेले नहीं है, पेरेंट्स भी उनके साथ है। सेकंड पॉइंट, पेरेंट्स भी उनके साथ है। तो कोई कोई बच्चे लोग तो डर के मारे उनके मम्मी पापा को बोलते ही नहीं है, और बड़ा होकर कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए आपके पेरेंट्स को के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि उनको फ्रीली रखने का, तो जो भी प्रॉब्लम रहेगा ना वो फटक से आपको आके बोल देंगे, और आप उनको हेल्प करोगे सॉल्व करने के लिए। इम्पोर्टेंट है इसमें ब्रेक इन स्मॉल स्टेप्स। कोई कोई सक्सेस ऐसे रहता है कि एक जंप पे हम लोग उधर जा सकते हैं, लेकिन कोई कोई रहता है कि स्मॉल में जाना है, क्योंकि ऐसे बहुत है कि फॉर एग्जांपल अभी एक डॉक्टर भी है, वो बचपन में सेवन स्टैंडर्ड में स्टेज में खड़े रह के ट्रेनिंग नहीं स्पीच देना था, लेकिन कुछ तो गलत बोल दी करके सब लोग हंसने लगे। तब से वो स्टेज से जाने के लिए बहुत डरते हैं, ट्रेनिंग मतलब स्पीच देने के लिए बहुत डरते थे। डॉक्टर है, MBBS पढ़े, चार स्कूल्स के प्रिंसिपल है, और वो डरते हैं स्पीच देने के लिए, मेरा कल पता है। और उसके लिए मेरे पापा जाके ट्रेनिंग दे, स्मॉल स्टेप्स, मैंने अपने फ्रेंड्स को, मेरे जान पहचान फैमिली मेम्बर्स को ऐसे ऐसे ट्रेनिंग करके बहुत बड़ा आदमी बना सकते हैं। तो स्मॉल स्टेप्स कुछ तोड़ने देने का। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ना, अवॉर्ड कंपैरिजंस। मतलब अभी हम लोग सारे बच्चे के मम्मी पापा बोलते, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ ऑल, कि देखो वो लड़का ने ऐसे किया, ये लड़का ने ऐसे किया, तुमने क्यों ऐसा नहीं किया, करके कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करना अच्छा नहीं, क्योंकि सारे बच्चे यूनिक है। तो ये आपको यूजफुल लगा रहेगा। थैंक यू।